नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में आज कुसुम तोमर जी हैं, जो कि वरिष्ठ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता। इनसे बात कर लेते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो बजट पेश करा है लगभग 69,000 करोड़ रुपए का, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे इतना मोटा बजट? जी, सबसे पहले नमस्कार सभी साथियों को। मैं कुसुम तोमर यहाँ से लोकसभा इंचार्ज हूँ आम आदमी पार्टी से। बजट, अगर आज हम बजट की बात करें, इतने मुश्किल समय में जो पिछले एक साल से जो हम पर आपदा आई हुई है कोरोना के चलते, जहां लोग का काम धंधा, हर व्यक्ति का काम धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है, लोग खाने के लिए भी तरस रहे हैं, इस तरह के माहौल में इतना अच्छा, इतना बढ़िया बजट पेश करना वाकई में एक काबिले तारीफ कदम है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भाई मनीष सिसोदिया जी को, कि वो हमारी दिल्ली की जनता के लिए इतना अच्छा, इतना बढ़िया, इससे बढ़िया और बजट कुछ हो ही नहीं सकता था, इतना बढ़िया बजट लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी। अगर हम बात करें बजट की तो बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा, हर व्यक्ति के लिए रोजगार, सारी पॉइंट्स, हर चीज़ पर बराबर खर्चा किया गया है, हर चीज़ को बराबर बजट दिया गया है। और आज भी जहां हर राज्य में पैसे के लिए मारामारी मच रही है, दिल्ली के अंदर कोई मारामारी नहीं, दिल्ली के अंदर इतना, मतलब इतना सारा, सारी चीज़ें होने के बाद भी एक बहुत अच्छा बजट आया है। 1000 मोहल्ला क्लिनिक महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के चलते महिलाओं की सुरक्षा के चलते जगह जगह कैमरे और लाइटें लगवाने के लिए बजट आया है। 1000 मोहल्ला क्लिनिक, मतलब इन्होंने आज भी महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। पहले की तरह जैसे 65,000 करोड़ का बजट था हमारा पहले, आज 69,000 करोड़ का बजट है, पहले से 6% और ज़्यादा, तो बहुत ही काबिले तारीफ कदम है ये। आज जो हमारा, अगर बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी राम राज्य लाने की बात करती है, और राम राज्य क्या है? वो राम राज्य ऐसा राज्य, ऐसा शासन जहाँ पे कोई भी जनता भूखी ना रहे, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, हर व्यक्ति के सर पर छत हो। तो हमारा जो सबसे पहला ये काम है वो ये है, हमारा कोई व्यक्ति, दिल्ली का कोई भी रहने वाला मनुष्य, दिल्ली में जो रह रहे हैं लोग, वो कोई भी भूखा ना रहे, दिल्ली का नागरिक, और कोई भी खुले छत के नीचे ना सोए, उसके लिए रहने के लिए छत हो। लगभग 500 झंडे लगाने का भी प्रावधान किया गया है इस बजट के अंदर। जी बिल्कुल, पूरे दिल्ली के अंदर 500, जैसे बाबरपुर में भी लगा हुआ है, कनॉट प्लेस में झंडे लगे हुए हैं, इस तरह के 500 झंडे। अगर हम ये कहें कि ये देशभक्ति का, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम जनता को बताना चाहते हैं कि सारा देशभक्ति का कॉपीराइट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वालों ने ही नहीं ले रखा। देशभक्ति तो देश, जो भी देश का नागरिक है उनकी है बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी भी देशभक्ति करती है और हम भी देशभक्त हैं। इसका सर्टिफिकेट, देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें किसी बीजेपी वाले की जरूरत नहीं है। मैडम, वही आपने बात करी बेरोजगारी दूर करने की, तो क्या अशोक नगर वार्ड की बेरोजगारी दूर हो पाएगी? देखिए, कोशिश जारी है क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री है, बजट दिल्ली का है, लेकिन अगर बात करें हम अशोक नगर की, पर्टिकुलर एक वार्ड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पार्षद बीजेपी का, यहाँ पर जो विधायक है वो भी बीजेपी का है, और जैसे कि हम सब जानते हैं यहाँ पर सांसद वो भी बीजेपी का है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब भाजपा ही भाजपा। तो अशोक नगर की जनता कितनी दुखी है, कितनी परेशान है हर चीज़ से। दुखी होती तो चेहरे बदले हुए होते, पार्टी नई नई होती। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे से ऊपर चैन भाजपा की, इसका मतलब यहाँ कोई दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं है, सब चाक चौबंद है। सुरक्षा के नजरिए से बात करें, स्वास्थ्य के नजरिए से बात करें, शिक्षा के नजरिए से बात करें, बेरोजगारी दूर करने की बात करें, तो अशोकनगर में कोई समस्या नहीं। अगर हम बात करते हैं शिक्षा के नजरिए से, तो जो भी स्कूल है वो दिल्ली सरकार उन स्कूलों को देख रही है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो जितने भी यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक, अगर हम अशोक नगर वार्ड की बात करें तो यहाँ पे दो
तीन मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, तो वो भी खुलवाने वाली दिल्ली सरकार है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। अगर हम बात करें अशोकनगर, पर्टिकुलर अशोकनगर वार्ड की, तो यहाँ पर कोरोना के समय में हर स्कूल में, हर सरकारी स्कूल में जो खाना बट रहा था वो दिल्ली सरकार की तरफ से बांटा जा रहा था, ना कि बीजेपी की साइड। अब तो नगर निगम भी बांट रही है सूखा राशन। नगर निगम सूखा राशन कहाँ बांट रही है? मैंने आज तक ऐसा कहीं ना कोई देखा है बढ़ता हुआ, अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। अगर बांटेगी तो देखेंगे, लेकिन अभी मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं देखा कहीं भी। बहरहाल बजट अच्छा आया है, आप तारीफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार बजट है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का, और मुबारकबाद देते हैं जनता को कि उन्होंने इतना लायक एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री चुना है जी। इतनी लायक पढ़ी लिखे लोगों की सरकार उन्होंने चुनी है। अगर हम अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को सत्ता में लाएंगे तो इस तरह का ये बजट उसका उदाहरण है जी। कभी भी हम घाटे का बजट आपने देखा होगा लगातार, ये हमारा छठा बजट है आम आदमी पार्टी का, तो कभी भी हम घाटे वाला बजट, जैसे कि अब तक 70 सालों तक लगातार घाटे के बजट आते थे, अब इस बार हमने कोई घाटे का बजट नहीं दिया, और लगातार 6 साल से जो हमारे बजट आ रहे हैं उनमें से एक भी बजट हमारा घाटे का नहीं है।